देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बे के निकट ग्राम उमरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिन रविवार 20 अप्रैल को आचार्य धनंजय मिश्र ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तब गोपियों के घरों से माखन चुरा कर खाया करते थे। इस लीला में उन्हें कहा नाम माधव मोहन यशोदा के लाल आदि नामों से जाना जाता है। एक बार कृष्ण ने गोपियों के कपड़े पेड़ से उतार लिए जब वे नदी में स्नान कर रही थी। इस लीला में कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को प्रकट किया और उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। यशोदा माता के घर गोकुल में कृष्ण की बाल लीलाएं काफी प्रसिद्ध हैं। वे गोपाल के रूप में अपने साथी गोप बच्चों के साथ खेलते थे। आचार्य धनंजय मिश्र ने बताया कि कृष्ण की लीलाओं में सबसे प्रमुख लीला कालिया सर की है, जिसमें कृष्ण ने कालिया नामक एक अत्यंत विषधारी नाग को पराजित किया। इस लीला में कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर यमुना नदी में नृत्य किया और फिर कालिया नाग को मारकर नदी से उसे बाहर निकाला। कृष्ण ने गोकुल के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए भी प्रेरित किया और इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। इस लीला में कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोपों को आश्रय दिया। कृष्ण ने गोपियों के साथ वृंदावन के वनों में रास नाच किया और वर्णी अनंत प्रेम और लीलाओं का आनंद उनके साथ साझा किया। परीक्षित चंद्र प्रभा त्रिपाठी और ब्रज किशोर त्रिपाठी के साथ रजनीकांत त्रिपाठी, देवकांत त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी और इंजीनियर आशीष त्रिपाठी ने सजीव झांकियों का प्रदर्शन भी कथा पंडाल में करवाया, जिनके कलाकारों को देखकर भागवत प्रेमी खासे उत्साहित नजर आए। सत्य प्रकाश की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।